मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का यूनिक कोचिंग सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। मैं डीके शुक्ला केमिस्ट्री में एल्कोहल के पांचवें खंड का वर्णन करेंगे, जिसके अंतर्गत एल्कोहल की कुछ विशेष अभिक्रियाएं। तो आइए हम सब पढ़ेंगे एल्कोहल के गुणधर्म के अंतर्गत कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सम इम्पार्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल के कुछ विशेष यानी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन इस खंड के अंतर्गत करेंगे, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एवं यूपी बोर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी तथा अन्य बोर्डों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। आइए, तो पहला हम लोग पढ़ें, गुणधर्म पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया यानी अल्कोहल की अभिक्रिया एसीटिलीन से, तो एसीटिलीन से जब अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है तो पहले आपका एक इंटरमीडिएट यौगिक बनता है, जो बाद में जो है एसीटल या एथिलल आपका प्राप्त होता है। जैसे एसीटिलीन का एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो तीन बांड में दो पाई बांड होता है और एक सिग्मा बंद होता है। पाई बंद सिग्मा बंद की तुलना में दुर्बल होने के कारण जब अभिकर्मक इस पर आक्रमण करता है तो पाई बंड टूट जाता है, जिससे दोनों कार्बनों की एक एक बैलेंसी स्वतंत्र हो जाती है। एक कार्बन से हाइड्रोजन जुट जाता है और यहाँ दो बांड बचता है, जिसके वजह से सी एच और यहाँ आपका बचता है सी टू एच फाइव। तो इतने ग्रुप को वाइनिल कहते हैं, इसे एथिल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाता है एथिल वाइनिल ईथर। अब यह एथिल वाइनिल ईथर पुनः एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके अंतिम और अस्थाई उत्पाद की रचना करता है। अब तो अब इसमें मार्कोनिकॉफ का रूल के लग जाने के कारण हाइड्रोजन जो है CH2 यानी अधिक कार्बन के पास आ जाता है और ऋण वाला भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। क्योंकि बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में 11th में आपने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा होगा, तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन से असममित अभिकर्मक जुड़ता है तो अभिकर्मक का ऋण वाला भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और धन वाला भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस द्विबंध के कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो बच्चे समझ गए होंगे मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है, पुनः समझ लीजिए, कि जब किसी असममित एल्कीन से या किसी असममित यौगिक से कोई अभिकर्मक जुड़ता है, अभिकर्मक मतलब समझ रहे होंगे कि जो किसी कार्बनिक यौगिक के अणु पर आक्रमण करे वो अभिकर्मक है, और जिस पर आक्रमण किया जाता है वो आधार है।
तो अभिकर्मक का जो है ऋण वाला भाग द्विबंधित कार्बन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और धन वाला भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इसलिए यहाँ वाइनिल के केस में हाइड्रोजन जो है आपका CH2 से जुड़ गया और दो बांड में एक सिग्मा और एक पाई है, पुनः पाई बांड का विदलन होता है, विदलन का मतलब टूटना होता है, क्लीवेज, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्बन की एक एक संयोजकताएं मुक्त होती हैं और उन मुक्त संयोजकताओं से जो है अधिक हाइड्रोजन वाले के पास H और कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन के पास ऋण जुट जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3 और आपका CHOC2H5 और OC2H5, इसे एसीटल कहते हैं या इथिलल कहते हैं, एसीटल कहते हैं या एथिलल कहते हैं। इस प्रकार से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो प्यारे बच्चे हमारी बात को समझे, हमने ये बताया कि एसीटिलीन की क्रिया जब एल्कोहल से कराते हैं तो अब क्रिया दो पदों में होती है। प्रथम पद में पहले आपका वाइनिल यानी एथिल वाइनिल ईथर बनता है और दूसरी पद में अब क्रिया जब होता है तो हमें अंतिम उत्पाद एसीटल या एथिलल बनता है। आइए दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, डायजोमीथेन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ डायजोमीथेन, डायजोमीथेन से अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में जब एल्कोहल का अणु डायजोमीथेन से अभिकृत होता है तो हमें ईथर प्राप्त होता है और साथ में N2 गैस मुक्त होती है। हमारी बात समझे, फिर से समझ लीजिए कि इस अभिक्रिया में जब एल्कोहल का अणु डायजोमीथेन के साथ संयोग करता है यानी क्रिया करता है तो हमें ईथर प्राप्त होता है, मेथिल ईथर प्राप्त होता है और साथ में N2 गैस उत्पन्न होती है। जैसे आइए देखें C2H5OH और CH2N2, ए डायजो मीथेन का सूत्र है CH2N2, डायजो डाई माने दो, एजो माने नाइट्रोजन, तो डायजो मीथेन। अब इसकी क्रिया कराते हैं तो जब टेम्परेचर देते हैं तो बांड टूट जाता है तो आपका बन जाता है C2H5CH3 और साथ में N2 गैस मुक्त होता है। तो अब जिस तरह का एल्कोहल लेते हैं उस तरह का ईथर बनता है, तो यहाँ ईथर बनता है। कॉमन भाषा में अगर नाम इसका लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, इसलिए ई का नाम माने एथिल पहले लिखेंगे एथिल और इसका नाम लिखेंगे मेथिल और अंत में लिख देंगे ईथर, और इसका IUPAC पद्धति में नाम लिखते हैं तो नाम हो जाएगा मेथाक्सी ईथेन हो जाएगा। क्लियर हुआ? आइए तीसरा गुणधर्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तीसरा गुणधर्म पढ़ते हैं तो तीसरे गुणधर्म में हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, तो रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो एल्कोहल की क्रिया जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो मुख्य उत्पाद होता है वह बनता है एल्कील बेंजीन सल्फोनेट बनता है, एल्कील बेंजीन सल्फोनेट बनता है। जैसे अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड का सूत्र, ये है बच्चों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र C6H5SO2Cl है, क्योंकि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए हम बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा करके पहले बेंजीन का सल्फोनीकरण कराते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से H, यहाँ से एक O ले लेते हैं तो हमारा बन जाता है H2O बन गया। अब यहाँ बचा HSO3, तो SO3H बन गया। अब इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इसका क्लोरीनीकरण करा देते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका हम PCl5 से क्रिया कराते हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से H ले लेते हैं, तो HCl हो गया। यहाँ से एक O, एक P और तीन Cl ले लिया, तो आपका POCl3 हो जाता है। एक Cl बच रहा है, OH के जगह पर आ जाएगा, क्योंकि यह ऑक्सी अम्ल है, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इस प्रकार से हम इस रिएजेंट को लैब के अंदर बना करके अब इसका हम जैसे एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H ले लिया, तो हमारा अभिक्रिया के दौरान HCl हमारा मुक्त हो गया। अब हमारा जो बचता है वह अभिक्रिया में उत्पाद हो जाता है, यह OC2H5। तो इसको बोलते हैं एथिल बेंजीन, इतने ग्रुप को बोलते हैं सल्फोनेट, इसलिए हमारा अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद बना एथिल बेंजीन सल्फोनेट बन गया। अब चौथा रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं एल्किलीकरण, एल्किलेशन, एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण क्या है प्यारे बच्चों, एल्किल समूह का एल्कोहल में प्रवेश कराना, एल्किल समूह का एल्कोहल में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को एल्किलीकरण कहते हैं। इसको ऐसे समझो, जब एल्कोहल की क्रिया डाईमेथिल सल्फेट या डाई एथिल सल्फेट से क्रिया कराया जाता है, तो हमारा एल्कोहल का हाइड्रोजन एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी क्रिया को हम एल्कोहल का एल्किलीकरण कहते हैं। यानी जब हम एल्कोहल के हाइड्रोजन को किसी भी एल्किल समूह द्वारा मेथिल एथिल से प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमारा बनने वाला क्रिया जो है एल्किलीकरण कहलाता है। और एल्किलीकरण के लिए जो इसमें अभिकर्मक प्रयुक्त किया जाता है वह डाईमेथिल सल्फेट या डाई एथिल सल्फेट का प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए, आइए हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे हमने ले लिया एथिल अल्कोहल ले लिया और डाईमेथिल सल्फेट ले लिया। डाईमेथिल सल्फेट को प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये तो स्ट्रक्चर बना के सुविधा के लिए आपको दर्शा दिए। अब देखिए, यहाँ से बांड टूट जाए, चाहे ये बांड तोड़ दो, चाहे ये बांड सहसंयोजक बंध का विदलन हो जाए, तो यहाँ से H इसका जगह ले ले और मेथिल हाइड्रोजन का जगह ले ले, तो देख रहे हैं आप लोग कि एल्कोहल के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के मेथिल समूह के द्वारा हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एल्कोहल का एल्किलीकरण कहेंगे। और हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा
मेथिल बाई सल्फेट या मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एल्कीलीकरण की क्रिया के द्वारा भी हम एल्कोहल को ईथर में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा कि आपके लिए किया गया है। अब डाई मेथिल, अब इसका नाम लिखना है तो एथिल मेथिल ईथर कह दीजिए साधारण कॉमन सिस्टम में, और अगर जिनेवा सिस्टम में कहना चाहते हो तो मेथॉक्सी ईथेन कह सकते हैं। अब इस डाईमेथिल सल्फेट के स्थान पर हम डाईएथिल सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर सूत्र लिख देंगे C2H5 का ट्वाइस SO4 ले लिए। अब इसको हीट करेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ से बांड का विदलन हो जाएगा। तो बांड का जब विदलन होगा तो यहाँ से भी हेट्रोलिटिक विदलन होगा, तो H यहाँ से यहाँ आ जाए और एथिल ग्रुप यहाँ आ जाए, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा आपका C2H5O। ये असममित ईथर है, ये आपका सममित ईथर है। तो यहाँ पर आपका डाई एथिल ईथर, यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर बना। तो एथिल मेथिल ईथर एक असममित ईथर है और डाई एथिल ईथर एक सममित ईथर है। इसका तात्पर्य यह है कि जब ऑक्सीजन से जुड़े दोनों तरफ एल्किल मूलक में कार्बन की संख्या समान हो तो उसे हम सममित ईथर कहेंगे, और जब ऑक्सीजन ईथर क्रियात्मक समूह से जुड़े दोनों एल्किल मूलक में कार्बन परमाणु की संख्याएं अलग अलग हों, यानी भिन्न भिन्न प्रकृति के एल्किल जुड़े हों, तब ऐसे ईथर को हम मिश्रित ईथर कहते हैं। इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया के द्वारा भी ईथर बना सकते हैं एल्कोहल से, और डायजोमीथेन के अभिक्रिया से इसके पहले वाले में बनाए जो मैंने आपको बताई दिया। तो इस प्रकार से एथिल एल्कोहल को ईथर में परिवर्तित करने के लिए हम एल्कोहल का एल्कीलीकरण करा सकते हैं, तो हमको जो है ईथर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चे हम लोग आइए पांचवा रिएक्शन एल्कोहल का पढ़ेंगे, कि एल्कोहल का डीहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल का डीहाइड्रोजनीकरण। तो एल्कोहल के डीहाइड्रोजनीकरण के लिए हम दो तरह से डिहाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं। एक तो कॉपर उत्प्रेरक के उपस्थित में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके भी डिहाइड्रोजनीकरण किया जा सकता है, और एल्कोहल का दूसरा डिहाइड्रोजनीकरण जो है हम जिंक ऑक्साइड के उपस्थित में भी 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके भी हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कर सकते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण करने पर जो है एल्डिहाइड देता है, द्वितीयक एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन देता है, और तृतीयक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण नहीं हो पाता क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा होता है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए यह विकट कंडीशन में गर्म करने पर जो है जल का अणु निकाल करके एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। तो आप आइए रिएक्शन से समझिए कि जैसे हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया, मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी लिया, चाहे आप कापर चूर्ण से इसको गर्म करिए उपस्थिति में, और चाहे जिंक ऑक्साइड के उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर गर्म करें, तो यह 1 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ से H और यहाँ से H2 निकल रहा है, तो निकलने के लिए D लगा देते हैं, और चूंकि हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए डिहाइड्रोजनीकरण हो गया। अगर क्लोरीन निकल रहा होता तो डीक्लोरीनीकरण हो जाता, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों निकल रहा होता तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता, किसी यौगिक से जल निकलता रहता है तो उसे डिहाइड्रेशन कह देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर चूंकि निकल रहा है हाइड्रोजन इसलिए इस अभिक्रिया का नाम डिहाइड्रोजनीकरण कर दिया।
तो प्राथमिक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करने से हमें कार्बोनिल श्रेणी का यौगिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसमें ये बना उत्पाद हमारा एसीटल्डिहाइड है। एसीटल्डिहाइड है, इसका IUPAC सिस्टम में नाम इथेनल है, इथेनल है। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें OH रखने वाला कार्बन की संयोजकता दुई और कार्बनों से बधी होती है, तो उसे हम द्वितीयक एल्कोहल की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करने पर हमको कार्बोनिल श्रेणी का यौगिक एल्काइनोन अर्थात कीटोन प्राप्त होता है। और यहाँ पर रिएजेंट वही रखेंगे टेम्परेचर, यहाँ से एच, यहाँ से एच, तो देखिए यहाँ पर बांड टूट रहा है, यहाँ का बांड टूटा, इसको इस प्रकार से दर्शा दिया जाए तो, और तो यहाँ देखो ए बांड टूट रहा है, ए बांड टूट रहा है, दो सिग्मा बांड टूटने के नाते एक पाई बांड बन जाएगा, तो H2 गैस का निष्कासन हो जाता है और हमारा जो बनने वाला उत्पाद है वह एल्काइनोन का प्रथम सदस्य प्रोपानोन है और इसे साधारण भाषा में एसीटोन भी कहते हैं, जिसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है और यह एक रुचिकर गंध की द्रव होता है, जबकि एसीटल्डिहाइड बहुत अप्रिय गंध की द्रव होती है और इसकी गंध खटमल जैसी होती है और इसकी भी अवस्था भौतिक अवस्था भी द्रव ही होता है। जैसे मान लिया अब तृतीयक एल्कोहल अगर हम लेते हैं, तो तृतीयक एल्कोहल को जब हम लेते हैं तो तृतीयक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, बल्कि क्यों, क्योंकि OH रखने वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए डिहाइड्रोजनी होना संभव नहीं है, इसलिए यह डिहाइड्रोजनीकरण न होकर बल्कि डिहाइड्रेट होकर के हमें एल्कीन देता है। तो तीनों तरफ कार्बन एल्कील मूलक में हाइड्रोजन की संख्या समान है, इसलिए सेटजेफ का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि सेटजेफ का रूल तब लगता है OH निकलते समय अपने बगल के उस कार्बन से H ग्रहण करता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो चूंकि इसमें जो है तीनों एल्कील मूलक में तीनों मेथिल हैं, तीनों में कार्बन की संख्या समान है और हाइड्रोजन की संख्या समान है, इसलिए OH किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन ग्रहण करके जल के अणु का निष्कासन करके एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से OH लिया और यहाँ से H लिया, तो CH2H यहाँ का बांड टूटेगा, तो एक बांड यहाँ टूटा तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH3C डबल बांड CH2CH3, तो ये बन गया आइसोब्यूटीन। आइसो और IUPAC सिस्टम में नाम लिखते हो तो आपका हो जाएगा 2-methyl propene, 2-methyl propene हो जाएगा। इस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण कराने पर प्राथमिक एल्कोहल हमें कार्बोनिल श्रेणी का यौगिक एल्डिहाइड देता है, द्वितीयक एल्कोहल डिहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन देता है और तृतीयक एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि OH रखने वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन न होने के कारण ये डिहाइड्रोजिनेट न होकर डिहाइड्रेट होता है और हमें अंत में यौगिक मिल जाता है, आपका एक एल्कीन प्राप्त होता है। अब यह एल्कीन लिए गए तृतीयक एल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे, इसका अगला गुणधर्म पढ़ेंगे, एल्कोहल का संघनन। तो एल्कोहल का संघनन में
कंडेंसेशन ऑफ एल्कोहल, कंडेंसेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्को इसमें एल्कोहल के जब दो अणु जल के एक अणु को निष्कासित करके आपका एक दुगुने कार्बन का डाइआल प्राप्त होता है, जब एल्कोहल का द्विअणु आपस में संघनित होता है तो जल के एक अणु को निष्कासित करके वह एल्कोहल अपने दुगुने कार्बन के डाइआल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे CH3, CH3, OH, CH3, CH3, CH3। अब इस एल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण यानी कंडेंसेशन संघनन कराते हैं तो ये दोनों तृतीयक एल्कोहल हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये दोनों तृतीयक एल्कोहल के अणु जल के एक अणु का निष्कासन करते हैं। तो जल के एक अणु का निष्कासन करने के लिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं फेंटन्स रिएजेंट। अब आपके सामने बच्चों क्वेश्चन उठा होगा कि फेंटन्स अभिकर्मक क्या है। तो फेंटन अभिकर्मक को जान लीजिए, हाइड्रोजन पराऑक्साइड और FeSO4 के मिश्रण को फेंटन्स अभिकर्मक कहते हैं। यह एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इसमें इसके उपस्थिति में जब हम एल्कोहल के दो अणु का संघनन करते हैं तो यह अभिकर्मक जल के एक अणु का निष्कासन करके हमें एल्कोहल के दुगुने कार्बन का एक डाइआल देता है। आइए इसको देखें। तो अब ये ऑक्सीकारक रिएजेंट है इसलिए नवजात ओ देगा, तो नवजात ओ देगा तो बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब नवजात हाइड्रोजन परऑक्साइड जब टूटता है तो H2O2 टूटेगा तो H2O प्लस नवजात ओ देता है, इसलिए उस नवजात ओ को नाइसेंट ऑक्सीजन को जो हमें फेंटन रिएजेंट से प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो अब देखिए इस कार्बन से एक एच और इस कार्बन से भी एक एच और यहाँ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का एक अणु निकाल देता है यानी निष्कासित कर देता है और हमारा उत्पाद डाइआल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ अब एक एच बच्चों निकल जाने के कारण यहाँ CH2 बचता है, यहाँ से भी एक एच निकल जाने के कारण यहाँ CH2 बचता है और यहाँ पर CCH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 बन गया। इस प्रकार से हमारा एक संघनित यानी कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनता है, कंडेंसेशन उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब इसका नामकरण IUPAC में एक डाइआल है, दो OH है इसलिए डाइआल है। अब इस डाइआल का IUPAC सिस्टम में नामकरण करने के लिए काउंटिंग किसी भी पक्ष से कर सकते हो क्योंकि OH क्रियात्मक समूह दोनों पक्षों से समान दूरी पर स्थित है। तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऊपर भी जाएंगे तब भी 6 मिलेगा, इसलिए रिजरेखी गति में चले, रिजरेखी हो जाते हैं, सीधे काउंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अब इन कार्बनों को संख्या नहीं मिली, तो जिन कार्बनों को संख्या नहीं मिलती उनको हम शाखा यानी ब्रांच मानते हैं। तो ये दोनों ब्रांचेस हैं तो इन शाखाओं को प्रतिस्थापी समूह मानते हैं, इसलिए इन्हें मात्र हाइड्रोकार्बन से पहले लिखेंगे और जिस मात्र हाइड्रोकार्बन के जिस कार्बन से जुड़े हैं उनका लोकेंट उसके पहले लिख देते हैं। तो 2,5 डाई मेथिल। अब
छह कार्बन का रूट वर्ड होता है हेक्स, और सिंगल बांड से बंधे होने के नाते हेक्सेन। अब दूसरे कार्बन से OH है और पांचवें से भी है तो 2,5-डाई-आल हो गया। इस प्रकार से इसका IUPAC सिस्टम में नाम हो गया, और ये एक कंडेंसेशन उत्पाद है और यह एक डाई आल भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है फेंटन अभिकर्मक की मदद से, फेंटन अभिकर्मक तो बच्चे समझ गए ना कि हाइड्रोजन पराक्साइड और फेरस सल्फेट के विलयन को हम सामूहिक रूप से फेंटन अभिकर्मक कहते हैं, क्योंकि इस अभिकर्मक की खोज फेंटन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर इट नेम्ड एज फेंटन्स री एजेंट। अब बच्चों आइए हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया से अभिक्रिया। अगला गुणधर्म रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो अमोनिया के लिए दो शर्तें हैं बच्चों, ध्यान रखो। यदि अमोनिया का क्रिया, द्रव अमोनिया की क्रिया अगर एल्कोहल से कराया जाता है, अगर उत्प्रेरक हम प्रयोग करते हैं थोरिया का प्रयोग करते हैं अगर हम, या एलुमिना का प्रयोग करते हैं, तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एमीन प्राप्त होगा। और यदि हम निर्जल जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है प्राथमिक एमीन ही प्राप्त होता है। बच्चे समझ रहे होंगे मेरी बात, दोनों कंडीशन बता रहे हैं। इन दोनों कंडीशनों पर रिएक्शन यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी में, सीबीएसई में और भी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं कंडीशन पर कि इस रिजेंट के उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण कराएं। जैसे एथिल एल्कोहल का कह देता है कि सान सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में 140 पर कराएं, तो 140 पर कराते हो डाई एथिल ईथर बनेगा, लेकिन कह दिया 160 से 70 पर कराओ तो इथिलीन बनता है। तो परिस्थितियां परिवर्तित करके हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट को परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही शर्त यहाँ भी लग रहा है कि जब हम एल्कोहल को द्रव अमोनिया के साथ थोरिया या एलुमिना के उपस्थित में 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम थोरिया और एलुमिना के जगह पर निर्जल जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो हमें मुख्य उत्पाद प्राथमिक एमीन ही प्राप्त होता है। जैसे आइए सपोज दैट, मान लीजिए हमने एथिल एल्कोहल की क्रिया जो है अमोनिया के साथ करा रहे हैं, तो अमोनिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं HNH2। तो अब इसको हम एलुमिना, तो एलुमिना का सूत्र है Al2O3। Al2O3 को कॉमन भाषा में एलुमिना कह देते हैं, लेकिन रासायनिक दृश्य से एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड है, या इसके उपस्थित अथवा थोरिया के उपस्थिति में गर्म करिए तो 350 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है, तो जल का पहले स्टेप में एक अणु निकल जाता है, यहाँ पर आपका बचता है एथिल समूह, यहाँ पर बचा NH2 समूह, इसलिए यह एक माने कि एथिल एमीन है, यह प्राइमरी एलिफैटिक एमीन है, यह और यह एमीन फिर जो है एल्कोहल अणु से क्रिया करके, एल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके जो है आपका कंडीशन वही रहेगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर H2O बना देता है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा C2H5NH। तो यह आपका हो गया डाई एथिल एमीन, यह 2 डिग्री एमीन होता है, यह 2 डिग्री एमीन होता है।
और अब यह पुनः एथिल एल्कोहल के तीसरे अणु से संघनित होकर जो है यह जो है तृतीयक एमीन का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो ट्राई एथिल एमीन या 3-डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अगर इसका IUPAC सिस्टम में नाम देंगे तो यन डाई एथिल इथेनामीन हो जाएगा। इसका IUPAC सिस्टम में नाम देते हो तो यन, चूंकि यन से एथिल एक ही मात्र हाइड्रोकार्बन होगा, एक तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट यन से जुड़ा है इसलिए यन एथिल इथेनामीन हो जाएगा। और इसका IUPAC में नाम इथेनामीन लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब हम एल्कोहल की क्रिया द्रव अमोनिया के साथ बंद नलिका में थोरिया या एल्मीना के उपस्थित में 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्रमशः प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, तीनों एमीन हमको प्राप्त हो जाता है और इनके IUPAC सिस्टम में नाम लिख दिए गए हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसे कंडीशन बदल दिया, केवल हमको प्राइमरी एमीन चाहिए, तो एथिल एल्कोहल की क्रिया हम जब अमोनिया के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के उपस्थित में कराते हैं तो हमारा यहाँ से एक एच, यहाँ से OH मिलकर H2O हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बचा C2H5 और यहाँ बचा हमारा NH2, तो हमें प्राइमरी एमीन ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन अगर बन जाता है तो हमको जो है प्राइमरी, सेकेंडरी से हैं तो उसको अलग करना पड़ता है, तो अलग करने के लिए हाफ मान रीजेंट या बेथिंसबर्ग मेथड का प्रयोग करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन को पृथक करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, हमारे लेक्चर को अच्छी तरह से समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर, तो आप लोग शेयर करना, लाइक करना, बेल दबाना और न भूलें, हमारी आपसे यही आग्रह है। और आपको अगले टर्न पर हम 6वें खंड का पार्ट्स एल्कोहल से